अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उसके सेवरल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेन फैक्टर्स जो हैं इसके वो हैं फिजिकल साइज, कॉस्ट एंड स्पीड। इनकी वजह से कंप्यूटर्स जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड, बल्कि डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर्स क्या हैं? आर द लार्जेस्ट, द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस करनी हो एट वेरी हाई स्पीड। दे आर यूज्ड टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एज वेल एज डिजाइनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। सुपर कंप्यूटर्स काम आते हैं डिजाइनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स सच एज रॉकेट्स एंड फाइटर प्लेन्स। डिजाइनिंग के लिए भी काम आते हैं और कंट्रोलिंग भी हम सुपर कंप्यूटर से इन पे करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स कहां पे इस्तेमाल होते हैं? ज्यादातर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में और वेदर फोरकास्टिंग में, क्योंकि वहां पर भी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म्ड एट वेरी हाई स्पीड। क्लियर? उसके बाद है द बेस्ट नोन सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ट बाय क्रेन कॉरपोरेशन, एन अमेरिकन सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एंड IBM। पाकिस्तान में सुपर कंप्यूटर मेनी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है, लाइक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर में इस्तेमाल हो रहा है, नस्ट यूनिवर्सिटी में हो रहा है, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग डिपार्टमेंट में। और ये इसके डायग्राम, सुपर कंप्यूटर की ये डायग्राम आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर आल्सो लार्जर, मोर एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर्स कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर्स, बट लेस पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स। दे आर यूज इन लार्ज कॉरपोरेशन। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स? लार्ज कॉरपोरेशन में, इन बैंक्स, इन यूनिवर्सिटीज, इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज। मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज क्या है? फिल अ लार्ज रूम बिकॉज दे इंक्लूड मेनी टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस इसके साथ अटैच्ड होती हैं, इसलिए इट कैन बी फिल इन अ लार्ज रूम, जैसे आपको इस राइट साइड पे नजर आ रहा है। दिस वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। स्पीड क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर की? टिपिकल मेन फ्रेम कैन एग्जीक्यूट अबाउट ट्रिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड एग्जीक्यूट करता है और सपोर्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम। सम एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम्स आर IBM एंटरप्राइज EC12, EC196 एंड HP 16500 सीरीज। नाउ वी विल डिस्कस मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स ये लार्जर भी हैं, मोर एक्सपेंसिव भी हैं। मिनी कंप्यूटर्स के लिए भी कि जो साइज है इसके लिए भी एक स्मॉल रूम चाहिए। मिनी कंप्यूटर्स एंड इट्स पेरिफेरल्स इक्विपमेंट कैन यूजुअली फिल अ स्मॉल रूम। राइट साइड पे आपको ये मिनी कंप्यूटर नजर आ रहा है। मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम सपोर्ट कर रहा था,
मिनी कंप्यूटर्स क्या है, कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम. मिनी कंप्यूटर्स आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर हैं, दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. ये स्पीड है इसकी. दीज कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस मोर डेटा देन माइक्रो कंप्यूटर्स. और मिनी कंप्यूटर्स कहां पे इस्तेमाल होते हैं? यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, एंड इन स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन में मिनी कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं. ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आई है, जिसकी वजह से जो माइक्रो कंप्यूटर्स और मिनी कंप्यूटर के बीच में परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस था वो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग हो रहा है. एज अ रिजल्ट, मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स आर रिप्लेसिंग द मोर एक्सपेंसिव मिनी कंप्यूटर्स. दिस इज मेन पॉइंट कि मॉडर्न जो माइक्रो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो मोर एक्सपेंसिव जो मिनी कंप्यूटर्स थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं. दिस इज द मेन पॉइंट. Examples of mini computers are IBM Systems 36 and HP 3000. Microcomputers. Microcomputers nowadays are the most popular computers in the world. Microcomputers is the smallest and least expensive computers. Its small size is the result of large scale integration and very large scale integration technology ki badolat jo inki size mein जो रिड्यूस हुई है माइक्रो कंप्यूटर्स की, दैट इज बिकॉज ऑफ LSI एंड VLSI टेक्नोलॉजी. स्पीड क्या है? अ मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. दिस इज वेरी फास्ट बट इट इज मच स्लोअर देन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. लेकिन जैसे हमने प्रीवियसली मिनी कंप्यूटर्स में पढ़ा कि मॉडर्न जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं they are replacing more expensive mini computers. Keep in your mind. उसके बाद है, a typical microcomputer consists of a keyboard, mouse, monitor and a system unit. Typical microcomputer जो हमारे पास है उसमें यह है monitor, system unit, keyboard और mouse. Where microcomputers are used? At home, for personal use, also known as personal computers, as well as for business application, and in every field of life, we use microcomputers. A large variety of software is also available for use on microcomputers. We have variety of softwares we istemal karte hain. Or a microcomputer can easily fit on a desk. Are in a briefcase in the form of laptop computers. Some examples of microcomputers are IBM ThinkPad, Toshiba Satellite series, and Dell XPS, HP Envy series, and Apple series. Okay, students, that was all about classification of digital computers. अगर आपको कोई question पूछना हो तो comments में आप question पूछ सकते हैं. तो inshallah, in next lecture, we will study modern use of computers in today's life. Thank you very much. Allah Hafiz.